देखिए, ये जो नौजवान हैं, हमारे भाई और बहन हैं, इनकी मांग जायज़ है, ठीक है। ये अपनी मेहनत के दम पे नौकरी पाए हैं, सरकार जो है इनकी नौकरी पे बैन लगाती है, कोर्ट में अटकाती है, इनकी कोई भी सुध नहीं ले रही है। तो ये लोग यहाँ अपनी बात को कहने, अपनी बात को समझाने के लिए, सरकार को समझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से जो है शहीद स्मारक पर बैठे, पर चार दिन से जो है इनको पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, पुलिस के दम पे जो है इनको केस लगाने की धमकी दे रही है, करियर ख़राब करने की धमकी दे रही है। तो मैं पुलिस को भी कहूँगा और प्रशासन को भी कहूँगा कि हम इन गिद्दड़ भपकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम इस हिंदुस्तान के नौजवान हैं, हमें समझ में आता है, हमें हमारे संविधान के मौलिक अधिकार पता हैं कि हम लोगों को क्या करना है। संविधान या तो इनको नौकरी दे, नहीं तो NHAI पूरे राजस्थान के अंदर जो है इनके समर्थन में आंदोलन करेगी, सरकार का पूरा जोर विरोध करेगी, और ज़रूरत पड़ी तो हम सब विधानसभा का घेराव भी करेंगे और मजबूती से करेंगे, और नौकरी तो देनी पड़ेगी इनको, वो इनका हक है। अध्यापक भर्ती 2022 Level 1 के सारे प्रदेश भर के जो युवा साथी बैठे हैं, आज धरने का 5वां दिन है, और कल हमने अधीनस्थ बोर्ड पे चेयरमैन साहब से भी मुलाकात करी थी, तो उन्होंने आश्वासन किया था कि हम AG से पैरवी करवाएंगे। लेकिन जो हमारी जो मांग उठा रहे थे शहीद स्मारक धरना स्थल पे, तो बार बार पुलिस का प्रताड़ना कर रहे हैं, बार बार उठाना, सुबह से इनको उठा करके रोडों पे जाने को मजबूर कर दिया था। लेकिन हम इनके साथ हैं और इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। सर, हम 4 दिन से तो वहाँ बैठे थे, उसके बाद में कल हम कर्मचारी चयन बोर्ड चले गए थे, तो वहाँ पे हमें कुछ आश्वासन दिया गया था, भाई चलो ठीक है, आपका मंडे तक कुछ ना कुछ करेंगे। तो हम वापस सुबह यहाँ पर आए ना, तो यहाँ पे हमें पुलिस वालों ने बैठने ही नहीं दिया, साफ मना कर दिया कि आपका तो धरना ही समाप्त हो गया, अब आप यहाँ नहीं बैठ सकते। तो हम सब सुबह से यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, सब कुछ काम हो चुका है, फिर भी हमारी क्यों नहीं सुन रहे, हमें तो ये शर्म नहीं आ समझ में नहीं आ रहा। सरकार नहीं सुन रही हमारी, कोई कर्मचारी चयन बोर्ड में वहाँ पे बोर्ड वाले नहीं सुन रहे, कोई दूसरे नहीं सुन रहे, हम क्या करें, हमें यही समझ नहीं आ रहा है। जब तक हमें जॉइनिंग नहीं मिल जाएगी ना, जब तक हम बैठे ही रहेंगे, क्योंकि अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो नतीजा लेके ही जाएंगे ना, जब बैठ ही गए तो इसलिए जब तक जॉइनिंग नहीं मिलेगी जब तक नहीं जाएंगे। सर, पुलिस भी हम पे ज़्यादा जुल्म कर रही है और राजस्थान सरकार कुछ सुन नहीं रही है, उनकी कानों पे जू नहीं रेंग रही। आज 2 महीने हो गए राजस्थान सरकार में BJP गवर्नमेंट को आए हुए, और हमारी बेरोजगारों की कोई सुध नहीं ले रही, ना वो AG की नियुक्ति कर रही है, ना AA बन रहा है, और हमारी कोई मजबूत पैर भी नहीं हो रही। हम परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, और ऐसे ही अगर सरकार करती रहेगी तो हमारा बहुत बड़ी संख्या में उग्र आंदोलन होगा, बहुत बड़ी संख्या में हम कूच करेंगे। CM बोर्ड से कोई आश्वासन नहीं मिला, वो आलोक राज जी हैं, वो बढ़िया मीठी मीठी गोलियां देते हैं, बढ़िया से पता नहीं कहाँ से बना के लाते हैं, ऐसी मीठी गोली देते हैं, ऐसा अध्यक्ष हमने आज तक नहीं देखा जो मीठी गोलियाँ देता है, कोई मतलब नहीं है, पहले से वो डिसाइड करके रखता है, वो आएंगे, हम ऐसी गिनी चुनी बातें बोलेंगे, रटी रटाई बातें बोलते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं है। आगे की ये योजना है कि अब जितने भी हम बच्चे रह रहे हैं, 2500-3000 बच्चे जो नियुक्ति से वंचित हैं, वो सब हम बढ़िया उग्र आंदोलन करेंगे, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेती हम यहाँ से हटेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। पुलिस हमको धमका नहीं सकती, हमारा कानून संविधान में हम विरोध कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना दे रहे हैं, बट फिर भी कोई डेलीगेशन नहीं हुआ हमारा, किसी से सकारात्मक वार्ता नहीं हो रही। हम राम दरबार लेके First Level को लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम यथास्थिति से पीड़ित हैं, और सरकार हमारी तरफ से AG और AA को नियुक्त करके हमारी यथास्थिति को बहाल कराए और हमें नियुक्ति दीजिए। शहीद स्मारक पर हम अंदर थे तो हम कल कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर चले गए, तो उसके कारण हमको बाहर ही रख दिया, अंदर जाने ही नहीं दे रहे, जाते हैं तो पीछे से पुलिस हमारे डंडे मारती है, तो हम इससे परेशान हैं, हमें अंदर भी नहीं जाने दे रहे, हम दर दर की ठोकरें खा के भटक रहे हैं, और यहाँ सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं किनारे पर, जब तक हमारी यथास्थिति बहाल ना होगी हमें नियुक्ति नहीं दी जाएगी, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हम पिछले 4 दिन से यहाँ आमरण अनशन कर रहे हैं शहीद स्मारक पर, आज पुलिस ने हमें वहाँ से निकाल दिया और बोला कि अब आप लोग यहाँ नहीं आ सकते। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमें नियुक्ति चाहिए, हमारी अगर कुछ गलती है तो सरकार हमें बताए, और हमारी गलती नहीं है तो सरकार हमारी बात माने और हमें नियुक्ति दें।